हाय गाइस, मैं आपका छोटा भाई लोकेन सिंह। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम लोकेन सिंह ऑफिशियल है। आज आपको बता रहा हूँ मैं डियर पार्क के बारे में। इससे पहले बता देता हूँ, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, और दिल्ली में आपको डियर पार्क दिखाऊंगा कि पार्क कैसा है और यहाँ कौन सी प्रजाति क्या मिलता है। यहाँ हिरण मिलते हैं दोस्तों, देखने को बहुत अच्छा नज़ारा है। पार्क भी बहुत अच्छा है, और आपको बता दें खरगोश के बच्चे भी हैं। खरगोश छोटे बड़े सब तरह के देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ताल भी है इसके अंदर, जिसको झील बोलते हैं दोस्तों, झील टाइप का एक बना हुआ है इसके अंदर, वो भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक। हाय गाइस, लोकेन्द्र सिंह, आपको बताया था मैंने कि अंदर जाके झील तालाब जो दिखाएंगे, बिल्कुल भी रास्ता है वो झील देख लीजिए आप। उसमें बतख भी देखने को मिल रही है आपको, बहुत कुछ नज़ारा अच्छा अच्छा। ये फुब्बारे टाइप में वो चल रहा है, पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है डियर पार्क का। बहुत गजब का नज़ारा है, देखने को बहुत कुछ मिलता है। ये पूरा एक तरह से किले के पास में है, बना हुआ है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसी तरह अच्छी घूमने के लिए पूरा हो सब कुछ होता है, डांस वगैरह क्लब वगैरह सब चलता रहता है, शॉपिंग मॉल भी है, बहुत कुछ है वो अंदर है, उधर भी दिखा देंगे। झील का नज़ारा देख लीजिए, उधर पूरा पहाड़ का बहुत बढ़िया, इसमें कपल लोग आते रहते हैं, कपल लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह दिल्ली के अंदर। पूरा देखिए आप, जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि दिल्ली के डियर पार्क में हिरण और खरगोश दिखाएंगे वीडियो के अंदर। कभी हिरण तो आपको दिखाया था, देख लिया, लेकिन खरगोश की बोला था। ये देखिए खरगोश का बच्चा है, पूरा बच्चा देख सकते हो आप कैसा है, यहाँ पर सारी तैराकी है। छोटे छोटे बच्चे ये भी बड़े होते हैं खरगोश के, जब बड़े होके रहे जब फिर इनको छोड़ा जाता है इधर उधर। लेकिन ये बहुत बड़ा पार्क है, इसमें सब जगह से ही जगह जगह इसको किया गया है, इनके लिए चुगने का दाना वगैरह डाला जाता है, सब कुछ अंदर ही इसी की व्यवस्था की जाती है। जो कुछ भी खाते हैं, जो पानी वगैरह की व्यवस्था सब कुछ अंदर ही है। देखिए कैसे आराम से लेटे हुए हैं, थोड़ा इनको करो इधर नीचे को दिखाओ, पूरा नज़दीक ला के